अस्सलाम फरमाइए। हाँ शेख जी फरमाइए। जी, कल बात रह गई थी अधूरी, आपका नमाज का टाइम हो गया था। जी तो क्या था मसला, तकलीफ के ऊपर आपका मौके क्या है? जी पहली बात तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे कि आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं फिर सोशल मीडिया वगैरह पर वायरल करेंगे, तो मैं चाहता हूँ फिर से पूरी वजाहत हो जाए। जी बिल्कुल, तो जहाँ से शुरू किए थे फिर तो वापस शुरू कर दें, वहीं से फिर बात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, कोई हर चीज जी, लेकिन उससे पहले अपना मौके का दावा जो मुकम्मल हो। नहीं तो बात कहाँ, बात शुरू तो करें आप। जी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मौके था? आप नहीं समझे मेरी बात, यानी कि तकलीफ पर आपका मौका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मुद्दा समझ में आना चाहिए कि बात शुरू कहाँ से हुई है। हाँ इसलिए तो आपने बोल डाले थे ना कि तकलीफ के ऊपर वहाबी गैर मुकल्लिदों को। ये बोल रहा हूँ, कि आप फिर से ये पूरी बातें करें, फिर उसके बाद समझ में आएगी कि यार आगे क्या बात करना है। जी 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 फरमाए। तो आपने बोल डाले थे कि वहाबी और गैर मुकल्लिदों को तकलीफ पर मनवा चुके हैं या कायल कर चुके हैं, ऐसा कुछ। जी आप अगर जहमत फरमाए तो अगर आपके पास वो पोस्ट हो तो निकाल कर वो बहु मिन वन अल्फाज पढ़े तो मेहरबानी होगी। एक मिनट में निकाल रहा हूँ। जी बिल्कुल आराम से, कोई गाय नहीं है। वहाबी और गैर मुकल्लद के नजरिए बिदत को उन्हीं की जबान कबूल करवा कर मनो मिट्टी तले दफन कर दिया गया। जी ठीक है, बिल्कुल एकदम एकदम सही है। जी फरमाइए अब आगे, आपका क्या इतराज है? हाँ तो क्या है, मतलब क्या आपने कैसे मनवा ली है? तो इससे मतलब जैसे पोस्ट लगाया था मैं इससे पहले तकरीबन 3 वीडियोस लगाया था मैंने, वो वीडियोस आप तक नहीं पहुंची थी? नहीं वो नहीं पहुंची। तो पहले आप तहकीक करें उसकी, अगर आप चाहें तो वो तीनों वीडियोस मैं भेज देता हूँ। पहले नहीं, वो तो इतना वो 3 वीडियो कौन देखता रहेगा, आप मुझे बताइए ना कैसे आपने 3 वीडियो सुन ले पहले। 3 वीडियो बोले तो 4-5 घंटे की नहीं है, वो 30 सेकंड का जो स्टेटस लगा हुआ होता है ना वो है। नहीं तो आप बोले मुझे तो आप बता सकते हैं ना कि कैसे मनवा दिया आपने? तो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि आप उसमें देख लेंगे तो आपको तो समझ में आएगा। मुझे मालूम है ना, बात अधूरी, मुझे मालूम होगा बात अधूरी रहेगी फिर वापिस वही नौबत आएगी। नहीं तो जब उतना देख लिया रहेगा ना आपका। अरे मैं तो बिदत के ऊपर चलिए दावा ही बोल दीजिए आपका, मेरे को समझ में तो आएगा। आपको मालूम है कि अहले सुन्नत का दावा क्या है बिदत पे? यानी कि आप तहकीक करना नहीं चाहते, तो फिर आप पहले मैं मेरे हिसाब से बात शुरू करता हूँ कि पहले ये बताएं कि आपको नंबर मेरा कहाँ से मिला। हाँ वो व्हाट्सएप पर हमारे जो ग्रुप है ना, तो इसमें जिस तरह भी डिबेट और ये बातें बहस वाइस होते हैं तो मेरे पास फौरन आ जाते हैं, क्योंकि मेरा चैनल ही अच्छा। इस्लाम के लिए है। जी तो मैं उसके लिए इंक्वायरी नहीं करता हूँ, मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, और अभी मेरा दारुसुन्ना एजुकेशनल वेलफेयर दावती तालीमी रिफाई इदारा भी शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह ये वीक में या तक एक दिन में। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप रात में हमारी बात हुई थी तो आप इस पीरियड में थोड़ा सा अपना कुछ लिंक वगैरह शेयर कर दिए होते तो थोड़ी सी मुझे भी मालूम हो जाती कि आप कहाँ से हो कौन हो। नहीं मेरा तो बहुत मशहूर और मारूफ है, ये काम शुरू करने वाला हिंदुस्तान में या दुनिया में मैं ही हूँ पहला। कॉलिंग रिकॉर्डिंग की जो तरीकेकार है ये 2012 में मैंने शुरू किया था। मुझे नहीं पता तो मैं कैसे मान लूं? अब मैंने बता दिया ना। जी तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आप अपना लिंक वगैरह शेयर कर दिए होते तो मुझे पता था। चले ठीक है, आपको बता दिया ना। जी जी खत्म। हाँ मुद्दे पर आ जाए, अब ये बिदत के ऊपर आपका मौकिफ तो बयान करें। मौकिफ किसी भी पर्सन का नहीं होता कभी भी, मौकिफ जो है वो इस्लाम का होता है और नजरिया इस्लाम जो है वो उल्मा वगैरह बयान करते हैं, उसी के हिसाब से बात की जाती है। अबे हम मैं ऐसा अल्फाजों से साथ खेलने जाऊंगा तो अपनी बहस लंबी हो जाएगी। मैं आपका मौकिफ पूछा, अगर किसी बंदे का मौकिफ नहीं होता तो फिर किसी आपका ईमान भी नहीं होगा। आप बोलोगे नहीं वो तो इस्लाम का ईमान होता है। नहीं, वो बात
चले ठीक है, हर आदमी के अर्ज कर रहा हूँ जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो बेस पे मैंने वो पोस्ट डाली थी, हाँ। तो एक बंदे ने इसी तरीके से कमेंट वगैरह करके एक हमारी अहले सुन्नत के भाई को वरगला कर, और आप पहले ये बताएं आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मैं उस हिसाब से बात करूं, कहीं मतलब ऐसा ना हो कि यार आप इत्तेदाल के हिसाब से बात करें और मैं किसी वन साइड पे आपको खींच कर लेके चले। हम अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत यानी अहले हदीस जी, ठीक है, ये हो गई बात क्लियर। तो अब जो हमारे मेरे मध्य मुकाबिल जो बंदा बैठा हुआ था उसका ये कहना था कि ये मिलादुन नबी वगैरह ये सब मनाना बिदअत है, तो उस ताल्लुक से एक मतलब मेरा जो पहचान वाला दोस्त था उसके ताल्लुक से ये बात हुई कि भाई ये जो बंदा है उससे क्या नाम है उसका बिदअत के ऊपर गुफ्तगू करनी है, तो मैंने कहा ठीक है कि मैं गुफ्तगू कर लेता हूँ उस ताल्लुक से। तो उसमें मैंने उनसे उनका मौकफ पूछा था कि भाई तुम्हारा बिदअत के ताल्लुक से क्या मौकफ है, तो उन्होंने बताया कि भाई जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में नहीं हुआ वो मैं जुमला बोल रहा हूँ वही जुमला है, मैं मतलब हेर फेर नहीं कर रहा हूँ। तो अरे मेरे से ये मतलब एक गलती हो गई कि मैंने उसका फोटो लेना भूल गया, क्योंकि हम लोग दोनों ने तहरीरी तौर पर अपना ही मौकफ लिखवाया था, मेरा भी उनका भी। तो उन्होंने कहा था कि जो रसूलुल्लाह या सहाबा किराम के दौर में जो काम जो बात नहीं थी तो वो बाद के उनके बाद भी दीन नहीं कहलाएगा। तो हालांकि मैंने बिदअत के ऊपर पूछा था, उन्होंने दीन के ऊपर बात कही, तो फिर मुझसे पूछा गया तो मैंने भी फिर उनके उनकी जबान में मैंने जवाब दिया कि जो काम जो बात कुरान और अहादीस करीमा में सराहत के साथ बयान की गई है वो तो दीन इस्लाम है ही, लेकिन जो बातें सराहत के साथ कुरान और हदीस में नहीं आई है वो अकवाल सहाबा और आइम्मा की इज्तिहाद की बुनियाद पर उसे भी इस्लाम माना जाएगा, दीन माना जाएगा। तो अब मसला ये है कि मसला था बिदात का और उन्होंने दीन की बात की, तो इस मौजू पर हमने लंबी तकरीबन 2.5 घंटे की गुफ्तगू की, उसमें ये बात हुई कि भाई बिदात कहते किसे। तो मेरा बार बार तकाजा हुई था कि आपने इल्ज़ाम लगाया है कि भाई ईद मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, तो ज़हमत गवारा फरमाए कि बिदअत की वजाहत आप ही कर दें। फिर उसमें ये हुआ कि मैंने इंटरनेट से गूगल से मैंने हदीस पाक निकाली कुल्लू बिदअतिन दलाला वाली जो इब्ने माजा की तफरुद के साथ में है, तो वो हदीस पाक निकाल कर मैंने उस बंदे के सामने रखी और मैंने कहा कि ये पढ़कर सुनाए। तो 2.5 घंटे में वो बंदे ने वो कहता है वो हदीस पाक पढ़ा भी नहीं। फिर उसके बाद ये हुआ मामला कि मैंने उन सब कहा कि भाई इसका तर्जुमा ही बता दे, तो उस बंदे ने तर्जुमा भी नहीं किया। फिर ये हुआ कि उन्होंने थोड़ी देर मतलब हाथ में मोबाइल लेकर कुछ पढ़ा और कहा कि भाई ये तो ज़ईफ़ है, इसमें कुछ एडिशन है मतलब कम ज़्यादा जो भी अल्फाज वगैरह होंगे, तो क्योंकि ये इब्ने माजा की है और इसमें तफर्रुद है। तो मैंने उनसे फिर 2.5 घंटा एक ही तकाजा किया कि जो सही बुखारी में इसके असल अल्फाज के साथ जो बातें आई है वो निकाल कर बता दें। तो उनके साथ तकरीबन 7 या 8 अफराद थे जो उनके खुद हम मसलक थे, हम बल्ला थे, तो उन लोगों ने 2.5 घंटे में वो कौन सा इलाका मालेगांव में, मालेगांव गांधी मार्केट के करीब में जी। तो 2.5 घंटे में उन्होंने वो एक हदीस पाक भी निकाल कर नहीं बताई। तो उस दिन हमें फिर मजीद बात आगे बढ़ी कि भाई जब आप हदीस पाक निकाल कर नहीं बता रहे तो चले ठीक है थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं इसके ऊपर। फिर मतलब यानी कि फिर वो हदीस पाक की ज्यादा डीप में न जाते हुए जाहिरी गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने ये कहा कि सहाबा किराम के दौर में मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है तो इसलिए आवाज लहरा रही है, तो ऐसा ठंडी तो बहुत है, मैं भी सब सूट हूं जी जी। तो उन्होंने कहा कि सहाबा के दौर में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बात काटूंगा आपकी। देखिए मैंने आज तक बहुत सारे बरेलवी हजरात से गुफ्तगू किया हूँ लेकिन बहुत कम ही संजीदा और बाखलाक मिले हैं, बहुत ही कम, उसमें से आप एक हैं जो बाखलाक और संजीदगी के साथ सब्र के साथ बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक मुतालबा करता हूँ कि मैं जो दारुस सुन्ना एजुकेशनल वेलफेयर शुरू कर रहा हूँ इसमें रफाई काम भी होंगे,
इन्हें गरीब गुरबा और इनकी मदद भी की जाएगी, मसाजिद मदारिस की तामीर, एजुकेशन, ये सारे हैं। तो आप उनमें नहीं जुड़े तो कम से कम गरीब गुरबा की मदद में तो हमारा साथ दे सकते हैं जी, इंशाल्लाह इंसानियत के नाते। जी जी, अखलाकी तौर पर जब हम ये मानते हैं कि हमारा दीन एक ही है, मानते हैं ना, जब दीन एक ही है तो फिर ये इन इख्तलाफात को छोड़ के जिन पर हम एक हैं उनमें तो एक हो जाए। जो चीजें देखें दीन के, दीन का मामला वही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसके बारे में बिल्कुल खुले अल्फाज में या तो कुफर के फतवे या शिर्क के फतवे और या फिर गुमराही और बिदअत के फतवे, तो जब ये मामला है तो फिर ये है कि एक मिसाल, ये मिसाल बता रहा हूँ आपको कि जैसे मुझ पर मजार वगैरह पर अगर हाजिरी लगाने के लिए जाता हूँ किसी अगले ग्राम की, तो मुझ पर शिर्क का फतवा लगता है। तो अब आपकी नजर में तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जैसे मतलब मुकाबिल के बारे में बात बता रहा हूँ कि आपकी नजर में तो मैं मुशरिक ठहरा। मुशरिक अमल और मुशरिक कहने में फर्क है जी, मुशरिकाना अमल और मुशरिक कहने में बहुत फर्क है जी। मैं समझा नहीं, क्या बोले आप? मुशरिकाना अमल करना और मुशरिक कहना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा, तो मुशरिक नहीं कहते, क्या होता है बंदे का, क्या हुक्म कह रहे हैं? मुशरिकाना शिर्क किया, मुशरिक कहना उसको दायरे इस्लाम से खारिज करना है, और मुशरिकाना अमल उससे हो जाना ये एक इंसानी फितरत है। दीन के ताल्लुक से इंसान से बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं लाइल्मी में भी जो कुफरिया होते हैं, शिरकियां होते हैं। जैसे सहाबा इकराम, अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा इकराम ने एक ऐसा जुमला अदा किया था जिस पर अल्लाह के नबी हम इतने सख्त नाराज हुए थे, और फिर हवाला दिया था कि तुमसे पहले के अंबिया से भी उनके असहाब ने इसी तरह बात की थी, और अगर सहाबा इकराम उस पर कायम हो जाते, तौबा नहीं करते, तो वो भी मुशरिक ठहर जाते। जी, तो नहीं मैं उस पर करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये वेलफेयर का आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, नहीं तो अपनी बहस पे बिदस्त हट जाएगी। अपन इस पे बाद में अगली ऑडियो में गुफ्तगू करेंगे। मैं चाह रहा था कि मैं मेरी बात मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद आप फिर अपने जो ये बताएं। तो सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं क्या अर्ज कर रहा था? बिदअत फिर गुफ्तगू हुई इनकी, हाँ जो गुफ्तगू हुई तो उस तालुक से फिर ये हमारा मामला हुआ कि भाई उन्होंने ये कहा था, उनका जो मतलब वाकिफ बयान किया था कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या सहाबा के दौर में नहीं, दीन नहीं था, ये लफ्ज था उनका, जो सहाबा के दौर में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दीन नहीं था, वो उन लोगों के बाद भी दीन नहीं माना जाएगा। तो मैंने उनको उस पर ये बात का तकाजा किया था कि मुझे बताएं कि मस्जिद बनाना, क्या बनाना, ये क्या सहाबा के दौर मस्जिद के ऊपर जो गुम्बद होता है, जी जी गुम्बद डॉम, हाँ हाँ, तो वो बनाना सहाबा के दौर में था या नहीं था? तो उन्होंने कहा नहीं था, तो फिर मैंने उनसे ये भी तकाजा किया कि भाई क्या ये दीन था या नहीं था, गुम्बद था या नहीं, वो दो नंबर बात, दीन भी दीन में दाखिल था या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पर कई एक हदीस मसाजिद देखी है जिसके ऊपर बड़े बड़े गुम्बद बने हुए, तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर ये चीज दीन नहीं है तो फिर ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि दीन नहीं है तो अच्छी चीज है, तो हमारा ये तो तुम्हारे अंदर जो उसूल है कि भाई जो सहाबा के दौर में नहीं था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो चीज दीन नहीं था तो बाद में भी दीन नहीं माना जाएगा, तो इस मुनासबत से तो वो दीन नहीं कहलाएगा, तो जब दीन नहीं कहलाएगा तो मस्जिद के ऊपर गुंबद बनाने का मकसद क्या? ठीक है, फिर मैंने एक दूसरा सवाल ये किया था कि भाई जो कुरान करीम में एराब लगे हुए तो वो तो आवाम की तफहीम के लिए, मतलब जो कुरान की जो उतार चढ़ाव को जो मतलब समझ नहीं सकते और जो उस जबान से मतलब वाकिफ नहीं है उसके मुहावरे से और उसके ज़र्बुल मिस्र वगैरह से, तो उसकी तफहीम के लिए एराब लगाए गए। तो ये जो एराब है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो ज़ाहिरी एराब है, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे, उनसे मैंने पहले पूछा कि थे या नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं थे, तो फिर मैंने पूछा कि ये इसके ऊपर लगाए गए
तो क्या ये जिम में दाखिल है या नहीं? हाँ, मैं समझ गया बात की आपको, आपकी बात का मफहूम मैं समझ गया। और उसमें क्या हो रहा है कि अगर हम एक साथ ही सब सुन लेंगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चलिए आपकी गुफ्तगु हो गई, अब आप बिदत पे अपना मौकिफ बता दीजिए मुझे कि आपकी नज़र में बिदत की तारीफ क्या, बिदत कहते किसको? बिदत की कई अकसाम है। मौकिफ पहले बयान कीजिए ना जी, पहले मौकिफ। बिदत का जो लफ्जी तर्जुमा है वो हर नई चीज के, नया जो नया होता है उसको बिदत कहते हैं। तो अब हर नई जो उसमें हदीस पाक में जो मफहूम आ रही दुआ कि कुल बिदत इन लाला, तो उसमें आमतौर से लोग गुमान करते हैं कि हर नई चीज वो बिदत होती है। हमारा ये मौकिफ है कि हर नई चीज बिदत, मतलब वो गुमराही वाली बिदत नहीं होती। अच्छा, ये आपने जो बात कही, क्या कहा फिर से जुमला था कि हर नई चीज गुमराही वाली बिदत नहीं होती। हर नई चीज गुमराही वाली जी बिदत नहीं होती। जैसे कि हदीस पाक में जो वारिद हुआ है ना कुल बिदत इन दौलाला, कि हर नई चीज बिदत है। तो हमारा कहना यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने का ये मकसद कुछ खास इशारा था कुछ खास चीजों की जानिब। तो हर नई चीज वो गुमराही वाली, मतलब जहन्नम में ले जाने वाली बिदत नहीं होती। कुछ नई चीजें ऐसी भी हैं जो नेक है और जायज है, मुबाह है और की जा सकती है। तो ये जो आपने माना मफहूम बनाए, ये माना मफहूम जो हदीस का बयान किए, ये आपने खुद बनाए या किसी सहाबी ने बयान किया या तबा ताबई ने, आइम्मा ने बयान किया या किसी आलिम ने बयान किया, किसने बयान किया? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकल्लिद हूँ और उलमा अहले सुन्नत के बयान से मैंने ये अखज़ किया है। देखिए, एक चीज तकलीफ पर आपने कल भी ये बात हुई थी हमारी, पर आपने कहा था मैं मुकल्लिद हूँ और गैर मुकल्लिद, और आपने वहाँ भी लिखे थे कल की। सुनने एक मिनट मैं बात काट रहा हूँ। कल की बात की कुछ भी गुफ्तगु इसमें नहीं होगी, क्यों कि कल अधूरी बात हुई थी, उसमें कुछ भी खुलासा कुछ बात नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ कल की बात की, मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो गैर मुकल्लिद असल में आप भी हैं जी, आप भी गैर मुकल्लिद हैं, लेकिन आप वहाबियों को गैर मुकल्लिद बोल रहे, अपने आप को मुकल्लिद बोल रहे, ये जुल्म क्यों? ये क्योंकि लोग जो है ना इमाम आजम अबू हनीफा को, हम लोग को हमारे ऊपर इल्जाम ये लगाया था कि इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीफ करने के जिम्मे में ये कहा जाता है कि तकलीफ करना शिर्क है। ठीक है, नहीं नहीं आप समझे, मेरा सवाल नहीं समझे, मेरा सवाल नहीं समझे। समझ गया, मैं समझ गया, उन लोगों की मैं समझ गया जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप खुद गैर मुकल्लिद हैं तो आप दूसरों को गैर मुकल्लिद बोल रहे हैं और अपने आप को मुकल्लिद बोल रहे हैं, कैसे? अच्छा, मुझे मैं कैसे गैर मुकल्लिद हुआ ये बताएं। आपको शायद बरेलवियत का उसूल नहीं मालूम। बरेलवियत में अकीदे में तकलीद करना कुफ्र है। बिल्कुल, तो आप तो गैर मुकल्लिद हुए ना, तो अकीदे में ना, तो अकीदे आदमी की पहचान अकाइद से ही होती है ना। अच्छा, तो यहूदी को अपन कैसे पहचानेंगे, ईसाई को अपन कैसे पहचानेंगे? जी बिल्कुल, आपको भी अकीदे से पहचानेंगे, हमको भी अकीदे से ही पहचानेंगे। तो भाई अकीदे में तो आप गैर मुकल्लिद हैं, यानी जैसे हम हैं जी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल गैर मुकल्लिद। तो फिर आपने ये जब आप खुद गैर मुकल्लिद हैं तो आप दूसरों को गैर मुकल्लिद का ताना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कुछ बातें कुरान करीम में सराहत से बयान नहीं की गई हैं, जो खुलासे से वाज़े तौर पर और हदीस पाक में जिसकी वजाहत नहीं आई है, तो उसके बारे में फिर इश्काल होता है कि इस मामले में क्या किया जाए। हाँ, तो इसके बारे में एक मसला हमारा क्लियर हुआ कि अकीदे में आप भी गैर मुकल्लिद है, हम भी गैर मुकल्लिद है। अब फुरू में आप मुकल्लिद है ना, फुरू में आप मुकल्लिद है, फुरू में आप मुकल्लिद है, तो फुरू में मुकल्लिद है, तो फुरू में एक खास इमाम की मुकल्लिद है, ये कुरान हदीस में किधर है? तो पुराने करीम में ये बात था कि शुरू में किसी की तकलीद करना ही नहीं है। नहीं नहीं, तकलीद का मान आप लघु ही माना ले रहे हैं, इस्तिलाही दोनों नहीं, दोनों कैसे लेंगे आप? दोनों में तो कंफ्यूजन होगा ना, वला तल्बिसुल हक्का बिल बातिल वला वतक्तुमुनल हक्का,
अंतुम तालमून तो दोनों दोनों का क्या चलते मफहूम अगर एक साथ लेंगे खल्त तो मल्त हो जाएगा ना। लुगवी और इस्तिलाही माना जब दोनों एक साथ लेंगे तो खल्त मल्त होगा ना। वला तलबिसुल हक बिल बाति व तक्तुमुल हक व अंतुम तालमून, वही तो वो आप बताएं ना कैसे खल्त। लुगवी माना हमारी बहस असल में यही सबसे बड़ा झगड़ा है। अगर इस बहस का ये चीज समझ में आ जाए कि हमारा इख्तिलाफ किस बात पर है, लुगत पे इख्तिलाफ है या इस्तिलाह पे इख्तिलाफ है। हमारा इख्तिलाफ इस्तिलाह पर है, लुगत पर नहीं है। लुगवी माना में तकलीद कहते हैं इताअत और फर्मा बरदारी को, आप डिक्शनरी उठा के देख सकते हैं। और इस्तिलाह में कहते हैं कि किसी की बात को बिना दलील मानना। जी तो ये बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया तो कि जिस चीज का इल्म नहीं हो इल्म वालों से पूछो। जी अल्लाह ताला फरमाबरदारी का हुक्म दे अपने माँ बाप की फरमाबरदारी का, अतीउल्लाह वअतीउर्रसूल वला तुस्लु अमालकुम, अल्लाह की इताअत करो रसूल की इताअत करो। जी तो यहाँ तकलीद नहीं बोली जाती, यहाँ इताअत बोली जाती है। तकलीद कहाँ बोली जाती है? जहाँ पर बिना दलील वाली बात ली जाए। अब ये बात तो नबी और सहाबा के जमाने में हो ही नहीं सकती कि बिना दलील मानी जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा खुद एक दलील है। जी अब अल्लाह ने रसूलुल्लाह और सहाबा की गारंटी ली है। जी है ना। अब जिनकी गारंटी नहीं ली है जी, जब उनकी बात आती है ना तो उनकी बात हो सकता है कि बिना दलील हो, तो जब उसको आदमी लेता है तो उसको इस्तिलाह में तकलीद कहते हैं। जी हाँ तो हमारे ये इस्तिलाह पर है तकलीफ। ये बात जी ये बात बिलखुसूस इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा के ऊपर, मतलब चूंकि हम लोग उसकी उनकी उन्हीं की तकलीफ नहीं, खास उन पे तो, नहीं जाती है। देखिए खास उन पे नहीं जाती है, सब पर जाती है। आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं मेरी मेरा ही मतलब मेरे तरीके से मैं बात करूँगी, आपकी बात मुझसे जा रही है। नहीं नहीं आप ऐसा उसको तासुब के अलग से देख रहे हैं। आप ये समझना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ इमाम अबू हनीफा को ही टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये लोग हर यानी किसी की भी बात, चाहे वो इमाम बुखारी हो, चाहे वो इमाम हम्बल हो, चाहे वो इमाम शाफई हो, अगर उनकी बात भी बिना दलील के होगी तो नहीं ली जाएगी, छोड़ दी जाएगी। और उनकी बात को कोई बिना दलील के लेगा तो फिर वो तकलीफ कहलाएगी। ये चीज ये बात अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमारा भी इत्तेफाक है कि अगर उनकी बगैर दलील की बात होगी तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो दलील वाली बात है वो मानी जाएगी। जी तो वो तो तकलीफ हुई नहीं जो दलील वाली है। वो तो तकलीफ नहीं हुई, वो तो इस्तिलाह ही नहीं ना, वो तो लोगा भी माना है ना। तकलीद का असल मफहूम जो है, तकलीद का लफ्ज इस्तेमाल कब हुआ? आप गौर करिए, पहले आप गौर करिए कि नबी का जमाना, सहाबी का जमाना और सहाबा के बाद तबा तबईन का जमाना, तो ये तकलीद का लफ्ज इस्तेमाल कब हुआ है? कौन से जमाने से शुरू हुआ? उस टाइम तो था नहीं। हाँ नबी के जमाने में था नहीं, सहाबी के जमाने में था नहीं। जब ये दो जमाने जमाने खैरुल कुरून के निकल गए उसके बाद ये इस्तेमाल हुआ ना। जी तो कन्फ्यूजन यही होता है कि इस्तिलाह को हम लुगत पे फिट करते हैं, फिट लुगत को उठा के इस्तिलाह पे फिट करते हैं, इसे आवाम को समझ में नहीं आता। या फिर हम में से ही कोई बड़ी चालाकी या मक्कारी के साथ ही अमल करता है ताकि लोगों को कंफ्यूज करे, हक और बातिल को खल्त मल्त करे। अल्लाह ताला ने सख्त वार्निंग दी है, वला तलबिसुल हक बिल बातिल व तक्तुमुल हक व अंतुम तालमून, कि हक और बातिल को खल्त मल्त मत करो, जानबूझ कर मत करो, हालांकि तुम जानते हो। जी तो अब मैं अपनी गुफ्तगू करूं। जी तो अभी मसला क्लियर हो गया ना कि हमारा झगड़ा इस्तिलाह पर है, लुगत पर नहीं है। तो हम जहां भी तकलीद की बात करेंगे तो वहां मुराद ये होगा कि उसकी बात बिना दलील है तभी तकलीद कही जा रही है, दलील वाली बात है तो इताअत है, तकलीद नहीं बोलेंगे हम, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। जी नहीं, दलील वाली बात अगर है तभी मानी जाएगी, बगैर दलील के बात है तो वो तो मानी भी नहीं जाएगी। जी 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 माशाल्लाह, चलिए बढ़िया। अब तो फिर आपका हमारा मौकिफ इस मसले में भी एक हो गया फुरू में। जी माशाल्लाह, चलिए। तो ये बात अभी इसमें दो बातें आपने कही थी बिदत के ऊपर, मिसालें दी थी। एक मिसाल दी थी आपने ईद मिलाद की, गुंबद की। एक मिसाल दी नहीं गुंबद की, हाँ सॉरी नहीं ईद मिलाद को भी मैंने दो बात की। हाँ गुंबद की एक मिसाल दी थी और एक कुरान का जेर जबर। जी हाँ तो ये कुरान के जेर जबर का मसला क्या है, आपका क्या मौकिफ है इस पर? जायज है, मबा है। नहीं नहीं क्या मौकिफ क्या है, मतलब वजाहत करिए ना थोड़ी। अब जायज बोल देने के बाद क्या बचता है इसमें?
आप समझ नहीं रहे, देखिए ये बड़ा खतरनाक मसला है, ये कुरान है, कुरान के ताल्लुक से आपको मालूम है कि जमाने खैरुल कुरून के बाद ऐसे फिरके पैदा हुए जो कुरान को मखलूक कहने की वजह से काफिर कहलाए। जी बिल्कुल। और इसी पर एक जरा इमाम अबू हनीफा पर भी है कि वो भी कुरान को मखलूक मानते थे। हाँ वो मैं दे दूंगा, वो दे दूंगा। नहीं मैं इसकी कबाहत दिखाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। ये नहीं, ये आप स्कैन भेजे, मैं पहले देखूंगा। मैं मुझे भी तो पता चले क्या रहा, मैं जिसकी तकलीफ कर रहा हूँ वो मतलब बता रहा हूँ कि जब हम कुरान के जेर जबर पर आपने इमाम आजम के ऊपर ये मतलब मैं अभी फिलहाल बोतान या एग्जाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं जरा बोल रहा हूँ, जरा जुरूहात जरा है ना जुरूहात। ये तो ताहिरुल कादरी का भी बयान है यूट्यूब पे पड़ा हुआ कि अगर इमाम हनीफा की जुरूहात तुमको बता दी जाए तो तुम गश्त गा के इन्हें बेहोश होके गिर पड़ोगे। ये तो ताहिरुल कादरी ने भी माना है कि इतनी जुरूहात है तो उसमें से एक जरा ये भी है। आपने जो मखलूक के कुरान के मखलूक होने के बारे में जो इमाम आजम के कॉल के बारे में कहा ना, तो आप मुझे इसका स्कैन पेज भेजे पहले। जी जी भेज देंगे, भेज देंगे। नहीं भेज देंगे नहीं, आप भेजे और मलफूजात का भी भेजे जिसके बारे में आपने रात में बात की थी। जी इंशाल्लाह भेज देंगे। उस वक्त भी मैंने तकाजा किया था कि आप इसको स्कैन भेज दें। जी 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 जी। अब ये क्या है कि जेर जबर के ताल्लुक से हमको कुरान है तो बहुत सोच समझ के बोलना है। जी बिल्कुल। हाँ तो बताइए क्या है जेर जबर का मसला। जेर जबर का मसला ये तो आवाम की तफहीम के लिए जो लोग अरबी जबान से नावाकिफ हैं, जो वहाँ के अरब के क्या बनेंगे मुहावरे और ज़र्बुल मिस्ल वगैरह से नावाकिफ है, उनकी तफहीम के लिए ये इराद लगाए गए हैं ताकि आपकी नजर में बिदअत है, चढ़ाव करना है। आपकी नजर में बिदअत है? जी नहीं। तो फिर आप क्यों उनसे बहस कर रहे थे बिदअत के ऊपर? हम तो यही कह रहे थे वो लोग, उन लोगों का कहना है कि जो सहाबा के दौर में दीन नहीं था वो बिदअत है। हमने ये कहा कि सहाबा के दौर में ये चीज नहीं थी, लेकिन सहाबा के दौर में थी, अच्छी चीज। नहीं नहीं, जब उन्होंने कहा कि जो सहाबा के दौर में नहीं थी तो आपने तो इसका मतलब आपको मालूम है कि सहाबा के दौर में थी, आपने उनको कंफ्यूज करने के लिए बात बोली। क्या क्या थी? मैंने क्या कहा? आपको सवाल ही नहीं करना था, ये तो सहाबा के दौर में था ना जेर जबर? नहीं था। ये दलील दीजिए। देखिए मैंने वो बात बोला ना आपको खतरनाक बात, सहाबा के दौर की कोई तहरीर एराब के साथ मुझे सेंड करें। नहीं नहीं, एराब के साथ तहरीर लिखना अलग मसला है, जेर जबर था कि नहीं अलग मसला है। तो जेर जबर था ये अलग चीज है। देखिए मैं अभी जैसे उर्दू हम पढ़ते हैं, देखिए सुनिए उर्दू हम पढ़ते हैं, आप सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, मैं नहीं सुनूंगा ये बात आपकी। पहले मैं इसीलिए एकदम स्टार्ट में मैंने तकाजा किया था कि मैं तीन छोटी छोटी 30 सेकंड की क्लिप है वो सेंड कर रहा हूँ, आप सुन लें, उसके बाद उसके ऊपर गुफ्तगू करें, आपको भी मजा आएगा बात करने में। लेकिन आपने उसको ठुकरा दिया। हाँ तो इसीलिए ना मुझे मालूम था कि बात वो बात घूम के यहीं आती, इसीलिए मैंने कहा कि उसको टाइम वेस्ट करने के बजाय यहीं आ गए। अब आप मुझे बात ये बात दलील दीजिए कि कुरान बिना जेर जबर के नाज़िल हुआ है। आपको इस कुरान हदीस से दलील देना है कि कुरान बिना जेर जबर के नाज़िल हुआ है। तो आप स्कैन भेज दे जबर पे। मेरे पास तो हदीस है, हजरत आयशा सहाबा इकराम को ग्रामर पढ़ाया करती थी। माशाल्लाह, तो वो इस हदीस पाक भेज दें। हाँ वो तो भेज देंगे। आपके पास क्या दलील है कि जेर जबर के बगैर कुरान नाजिल हुआ था? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अहले इल्म हज़रात है ना, जो अहले इल्म हज़रात जब बहस करते हैं तो शायद ये खुतबा मसनूना में कोई जुमला है कि वो जेर और जबर के ऊपर सहाबा की बहस थी कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उसको जबर से पढ़ते थे और दूसरे उसको जेर से पढ़ते थे। मेरे को खुतबा मसनूना की बहस याद नहीं आ रही है। जी हाँ, तो सहाबा इकराम जेर जबर पढ़ते थे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप, मैंने एक जुमला कहा था कि जाहिरी जेर जबर, मैंने एकदम खुलासा मतलब वाज़े तौर से, क्योंकि रात में मैंने ये बात कही थी कि आपने फिर कंफ्यूजन किया। आप ये जानना चाह रहे थे कि सामने वाले को कितना इल्म है, आप बहस बिदअत पे कर ही नहीं रहे थे। जी नहीं जी नहीं जी नहीं, वो जो बंदा जो सामने बैठा हुआ था ना, कोई लल्लू पंजू नहीं था वो भी। तो आप समझे मालेगांव में? नहीं नहीं, लल्लू पंजू नहीं है, आपने समझ गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मालेगांव में वो वहाबियत को और अहले हदीस को गैर मुकल्लबियत को फैलाने में सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहे हो बंदा,
तो कोई आम बंदा नहीं है, उसके हाथ के नीचे तकरीबन 10-15 ऐसे अपराध है जो सिर्फ उसके एक इशारे पे फटाफट मोबाइल से धनी में निकालने के लिए बैठे रहते हैं। आप समझे ये बात, मतलब तो मुझे मैं इनका लेवल चेक करूँ। मैं जो कह रहा हूँ कि आप आप एराब के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के एराब, देखिए एक होता है एराब जाहिर होना, एक होता है बगैर जाहिर होना, जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं। यही चीज मैं कह रहा हूँ, यही चीज मैं कह रहा हूँ। भाई कुरान में तो जेर जबर खाना जाहिर एराब जो है ना, मैंने ये अल्फाज कहे हैं, आप ऑडियो चेक कर सकते हैं मेरी। मैंने कहा था कि जाहिरी एराब जो लगाए गए ना, ये अवाम की तकलीम के लिए लगाया गया। आपने दो बातें कर दी, अभी आपने कहे थे कि पहले जेर जबर नहीं थे, अभी आपने बोल दिया कि नहीं थे, जाहिर में जाहिर में लगाए गए। जाहिरी एराब की बात कर रहा हूँ मैं, जाहिरी और गैर जाहिरी से क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ क्या फर्क पड़ेगा? अगर कुरान मेरे सामने रखा है और सूरह फातिहा लिखी है और उसमें एराब नहीं है तो मेरे पढ़ने में कुछ फर्क पड़ेगा? और अगर मेरे सामने ऐसा कुरान है जिससे एराब लगी है तो अगर आप अरबी नहीं है तो आपको पढ़ने में फर्क नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना, आप अरबी नहीं है उसके बाद भी फर्क नहीं आएगा। अरे कैसे आएगा फर्क मुझे भाई, पढ़ना है या नहीं है? अलहम्द में हमजा के ऊपर जबर देना, अलिफ के ऊपर जबर देना है, ज़ेर देना है या पेश देना है, तो आया। आप गैर अरबी है तो फर्क आया, आप गैर अरबी है तो फर्क आया, आपने तो जबर दे दिया ना। नहीं तो हम तो सीखे हुए ना, हम तो मुकल्लिद है ना, हम नहीं तो कैसे? आप तो इमाम हनीफा के मुकल्लिद है, इमाम हनीफा ने तो कहीं भी नहीं सिखाया ज़ेर ज़बर आपको। आप इमाम को कॉल पेश करें मेरे को, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इमाम हनीफा की कोई किताब ही पेश कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, आप बहुत दूर से चल रहे हैं आप है ना, जो नहीं नहीं आप समझ गए कि मैं क्या, मैं इल्मी बात कर रहा हूँ आपसे, पर आप इल्मी बात नहीं कर रहे हैं, आप मौलिमा साजी कर रहे हैं। मतलब आपने मान लिया कि ज़ेर ज़बर कुरान में था, ज़ेर ज़बर से आज कुरान नाज़िल हुआ और इसको ज़ाहिर किया गया हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में। मैं कह रहा हूँ जो ज़ाहिरी है वो नहीं था, जो जिसकी ज़बान होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ज़ाहिरी तो पढ़ाया जाता था ना, ज़ाहिरी जो अल्फाज थे वो तालीम दी जाती थी सहाबा को। अजामी लोगों को समझाने के लिए एराब लगाया गया है। एराब लगाए नहीं गए, एराब जाहिर किए गए, वो उसी में थे। लगाना एक अलग मसला हो जाता है, लगाना कुफ्र हो जाएगा। अच्छा जाहिर किए, चलो सुनिए, ज़ेर ज़बर जो है ये सुनिए, ज़ेर ज़बर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुए हैं क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अगर आप बोल देंगे बाद में लगाए गए, यानी मखलूक ने लगा दी ना, उसको कुफ्र हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत संभल के बात कीजिए इससे। मैं बिल्कुल संभल कर बात कर रहा हूँ, आप अपने कॉल पर मतलब टाइम मतलब क्लियर हो गया ना, कुरान ज़ेर ज़बर के साथ ही नाज़िल हुआ था। कल रात में भी मैंने एक तकाजा किया था, आपने अभी तक उसका भी वो तकाजे ना, वो आपके जो तकाजे वो काम पे लगाने वाले तकाजे, उसके लिए टाइम होना, फुर्सत होना। अभी आप बोले हो मैं आप दबा नहीं लाया, मैं वो कर दूँ। अभी जो फिलहाल आपने कॉल किया है ये क्या है? नहीं ये तो आपने जो कॉल किया है क्या है? ये तो अदीन युसर दीन आसान है माशाल्लाह। और वो जो मतलब मैंने तकाजा किया कि भाई मेरी तफहीम के लिए मुझे पता चल जाएगी आला हजरत ने मलका तो उसे तहकीक है ना, आपसे तकाजा जब आपसे कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक करो, तहकीक करने में टाइम लगता है। और जब आपने गुफ्तगू शुरू की तो आपने स्टार्ट में शुरुआती वहीं से की, तो आपकी पूरी तैयारी रहना चाहिए थी इसके ऊपर। हम कोई सामने हमने डिबेट करने बैठे नहीं लिया ना, कोई शरायत है। देखिए जगह ऐसी शरायत तो बात आएगी ना, ये बात कब आएगी? जब आप खुद इमाम हनीफा की किताब सामने रखकर बैठे हो फिर हमसे किताबों का मुतालबा करें। आपके पास है इमाम हनीफा की किताब? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुकल्लिद हैं इमाम हनीफा के? बराए रात ये कहा भाई, आप कैसे किसी को कह सकते हैं? नहीं आप बहस कर रहे हैं, आप गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। नहीं आपने आप उसूल दूसरे पे फिट करेंगे तो आपको भी तो अमल करना पड़ेगा ना भाई। आप बोलेंगे कि भाई आप इसके दो आप किताब बताओ तो मैं भी कहूंगा ना, जो इल्जामी जवाब के तौर पे कि ठीक है आप पहले इमाम हनीफा की किताब रखिए। एक बात सुन ले पहले आप, देखिए आप अगर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर बहस करना चाहते हैं तो मैं ये सब नहीं करता।
जी। और अगर मैं मेरा तो मुझे तो खुशी होती है कि आप सामने बैठकर बात करते हैं। हाँ तो मैं इंशाल्लाह आता हूँ ना मालेगांव, मैं मालेगांव आते रहता हूँ, मैं इंशाल्लाह आऊंगा आपसे मुलाकात करूँगा। मुलाकात करें इंशाल्लाह, नशीश तो रखेंगे हम आपकी भी जी, तो आप सामने बैठ कर बात करें। बहरहाल चलिए मसला क्लियर हो गया, लफ्जी झड़प में कुछ हासिल नहीं है। ये मसला भी क्लियर हो गया कि इस मसले में जेर जबर के हमारा आपका मौकिफ एक है कि कुरान में जेर जबर नाजिल हुए थे, ताहिर बाद में किए गए। मैं क्या कह रहा हूँ देखें, फिर आप इसको घुमाना चाहते हैं, आप ये आप बोल रहे हैं मेरी बात से मुताबिक नहीं है। आपकी बात में अपनी जबान से कहूँ मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं नहीं आप बोलिए ना भाई, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आप देख आप बात नहीं सुन रहे हैं मेरी, तो बोल तो रहे हैं ना, बहस करना चाहते हैं। नहीं नहीं आप बोल नहीं रहे ना, जो मेरी बात है उसको इकरार ही नहीं कर रहे और इकरार भी कर रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। तो यानी मैं आपकी बात इकरार करूँ, आप मेरी बात सुने भी ना, तो आप बोलिए ना कि कुरान में जेर जबर नाजिल नहीं हुए थे। आप सुने नहीं ना भाई, बहस तो आप कर रहे हैं यार, आप खेल में रखे थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जाहिरी, मैं इससे पहले भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया था और अभी भी वही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो जाहिरी आराम लगाए गए ना वो हुज़ूर पाक के दौर में नहीं थे। हाँ तो जाहिरी थे ना, अगर अगर आप ये कहते हैं कि जाहिरी आराम थे तो आप मुझे एक कॉपी। नहीं नहीं तो इससे बिदअत नहीं होगा ना, आप बिदअत की तारीफ नहीं समझे ना। नहीं तो आप वही तो हम भी कह रहे हैं कि बिदअत नहीं होगा, ये हमारा भी तकाजा यही है। तो फिर आप क्यों बिदअत की बात को पेश कर रहे थे भाई? मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा भी तकाजा ये है कि हर नई चीज को बिदअत ना बोले आप। नहीं तो हमने कहा इसको बिदअत बोला है, तो आप इसको बनाए लेकिन बिदअत ना बोले। जब हम इसको बिदअत बोले तब आप बोलिए ना, हमने कहा बिदअत बोला है? अल्लाह अकबर, आपने नहीं बोला लेकिन आपने जो डिफिनेशन दी है कुल्लो बिदअतिन दलाला की, तो उसमें ये बात वाजे है कि कुल्लो में हर हर नहीं। हाँ तो हर वो बात जो नबी और साहबा के जमाने में नहीं थी उसे दीन समझ के सवाब समझ के किया जाए, ये तो थी जेर जबर। अच्छा माशाल्लाह, ये जेर जबर तो था। मस्जिद के ऊपर जो गुम्बद बनाया जाता है, हाँ मस्जिद के ऊपर जो गुम्बद बनाया जाता है वो क्या समझ के बनाया जाता है? पहचान है मस्जिद की, पहचान है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पहचान नहीं थी, ये मस्जिद थी, मस्जिद थी अल्लाह के नबी के जमाने में, उसकी असल मौजूद थी, शक्ल में चेंज हो सकता है, शक्ल में चेंज हो सकता है, मस्जिद थी, असल थी। हदीस के आदि सही मुस्लिम के सही है, इनकी एक रिवायत है कि सदका करना सुन्नत है। अच्छा गुंबद के बारे में सही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान नहीं है? अरे फरमान की जरूरत नहीं है ना इसमें, जो असल थी मस्जिद वो तो थी ना। आप बस आप समझ, आपका काम हो गया। नहीं आप समझ गए, आप समझ गए कि आप मुझे इस मसले में पकड़ नहीं पाएंगे, फंसा नहीं पाएंगे, तो आप जुमले बाजी पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप गलत जगह जा रहे हैं, आप डायरेक्ट ये बात कर रहे हैं। हमारा हमारा दावा तकलीफ, फरमान की जरूरत नहीं है आपको, हमारा दावा बिदअत पर सुन लीजिए कि जो चीज नबी साहबा के जमाने में दीन नहीं थी, सवाब समझ के नहीं किया जाता था, वो नहीं करना चाहिए, ये बिदअत। हाँ ठीक है ना, अब तो मस्जिद तो थी भाई, मस्जिद तो थी, क्या है ये, क्या बना है, क्यों बनाया जा रहा है हुजूर पाक का पहचान है ना, फरमान क्या है? अरे भाई आज हमारी इतनी घर और बिल्डिंगें बन जा रही है कि उसमें मस्जिद कौन सी है, घर कौन सा है, कंपनी कौन सी है, फैक्ट्री कौन सी है, उसकी पहचान कैसे होगी? वो पहचान है मुस्लिम मोहल्ले में या सिर्फ गुंबद की पहचान रह गई है? नहीं अब मैंने तो बता दिया, अच्छा मैंने बता दिया, देखिए सुनिए मैं आपको बताऊं मैं मालेगांव में रहता हूँ, कई मस्जिद ऐसी है जो वो छोड़िए, वो मिसाल छोड़िए, पहले मेरी बात नहीं छोड़नी, आप बात सुनने पहले मेरी, मैंने जो बात कहा हूँ आप इसके मुखालिफ होकर बताइए, आप मेरी बात के मुखालिफ मौकिफ पेश करिए कि पहचान नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ तो फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप तो मेरे मौकिफ वाले हैं, नहीं आप गलत मलत कर रहे हैं बिल्कुल ये। नहीं अच्छा मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो मस्जिद के गुंबद और मीनार बनाए जाते हैं ये मस्जिद की पहचान के लिए बनाए जाते हैं, अब आप इसके मुखालिफ बात पेश करें मेरे को। मैं क्या कह रहा हूँ तो आप बात तो सुनना पड़ेगी ना आपको, तो बोल कहाँ रहे हैं, बोल कहाँ रहे हैं हम? अल्लाह हू अकबर, तो आप बीच में बोल देंगे तो क्या बोलूँ मैं? मैं तो सुन रहा हूँ, आप बोलो बीच में, आप बोले तो सही, मस्जिद के ऊपर गुंबद बनाना ये मस्जिद की पहचान है, आप बताइए। हाँ बोलिए ना, मैं बोलूँ, बोलिए ना,
अच्छा मैं बोलूँ आप बीच में नहीं बोलेंगे? हाँ बोलिए, मैं बोलूँ आप बीच में नहीं बोलेंगे? नहीं बोलूँगा ना, बोलिए तो सही में मुंबत पे। हाँ अब ये वही बात, तो अगर मैं मालेगांव में रहता हूँ, बहुत सारी मसाजिद ऐसी है जहाँ पर जो पत्रे के शेड में बनी हुई है, अब कसरत है जो जिसमें गुम्बद मीनार वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया है जिसकी वजह से शनाख्त हो जाती है कि ये मस्जिद है। हमारी अहले सुन्नत में जो मसाजिद मतलब जिसके ऊपर गुम्बद नहीं है ना, एक ऊंचा पाइप वगैरह बाम्बू लगाकर ऊपर झंडा लगा दिया जाता है जिससे ये उर्फ होता है कि ये मस्जिद है, ये पहचान हो जाती है। देखिए ये भी पहचान है, ये भी पहचान है, इससे हमारी बात रद्द नहीं हुई ना। देखे आप, मैं क्या बोलूँ, आप बात सुन नहीं रहे, आप सिर्फ आप ये बताइए कि आपके नजदीक गुम्बद पहचान नहीं है, आप ये दलील दीजिए। मैंने कब कहा कि ये तो हमारे दोनों मतलब में आप हमारे वाले नहीं है, ये हमारे मौकफ की दलील है कि ये बिदअत नहीं है, ये बनाया जा सकता है। तो हमने के दौर के आपके भाई, हमने कब उसको बिदअत बोला है? अरे अल्लाह के बंदो, हमने कब उसको बिदअत बोला है? तो हमने कब कहा कि वो बिदअत नहीं है? तो फिर आपने कहा कि उसको बिदअत की बहस में दलील के तौर पे पेश किए? क्योंकि साहबा के दौर में नहीं था, और आपने बिदअत की तारीफ की, जो साहबा के दौर में जो चीज हो, मसला ये हो रहा है कि आप बिदअत की तारीफ और दावा ही नहीं समझ पा रहे ना, आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए था। आप काफी लंबी मतलब बहस करके भी मतलब बेमकसद बातें कर रहे हैं भाई, जब आपको मालूम ही नहीं है कि बिदअत का दावा, बिदअत की तारीफ क्या है, आप ये मिसाल दिए क्यों? मैं अच्छे माहौल में गुफ्तगू करना चाहता था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जब मालेगांव आएंगे, स्पेशल मेरा ये नंबर सेव रखे, ये मेरा नंबर कभी बंद नहीं होता, आप जब आएंगे मालेगांव, जब आप वो तो कर लेंगे ना, लेकिन वो तो कर लेंगे ना, आपने ये मिसाल जब बिदअत है ही नहीं तो बात क्यों छेड़ी क्यों बिदअत के टॉपिक पे? फिर हर बिदत गुमराही, गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। क्या आपने कहा है कि गुम्बद बनाने वाला जहन्नम में जाएगा, या हमने कहा है कि गुम्बद बनाने वाला जहन्नम में जाएगा? आपके आपकी दलील में ये बात लिखी हुई थी कि भाई जो चीज सहाबा के दौर में और हुजूर के दौर में ना हो, तो इसलिए मस्जिद तो थी ना भाई, मस्जिद थी ना, मस्जिद थी ना, तो मस्जिद का मैं जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं मस्जिद का नहीं बोल रहा, मस्जिद से जुड़ी हुई जो मस्जिद तामीर में जैसे सदका था अल्लाह के नबी के जमाने में, अभी अभी हदीस सुनिए, अभी हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी के पास कुछ सहाबी आए जो गरीब थे, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि भाई इनकी मदद की जाए, अब वताउन अलल बिर के नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो, वो इतनी मदद हुई कि कपड़ों का यह बड़ा ढेर लग गया, क्या हुआ ढेर लग गया, अल्लाह के नबी ने सब मदद का हुक्म दिया था, अब मदद में कपड़े आ गए, तो मदद में जो जो चीजें आएगी और जो शरई एतबार से जायज होगी, तो अल्लाह के नबी ने कहा जिसने अच्छा काम ईजाद किया उसके अजर मिलेगा, जिसने बुरा काम ईजाद किया उसको उसका गुनाह मिलेगा। जी हाँ, तो अब मस्जिद बनाना ये अच्छा काम है, अब इसकी शक्लो सूरत में आदमी अच्छा काम है, मैं मान रहा हूँ। हाँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मस्जिद बनाना बुरा काम है या मस्जिद बनाना भी बेहतर है। मैं क्या कह रहा हूँ सुने आप, अब मैं मेरी एक ख्वाहिश है। अच्छा आपने बिदअत पर एक जुमला बहुत गलत बोला था, आप मेरी बात सुनेंगे? आप बोलिए बोलिए। अब मेरी एक ख्वाहिश है कि आप हम है ना मुदल गुफ्तगू करेंगे, मैं आपको स्केल वगैरह भेजता हूँ, आप मुझे स्केल वगैरह भेजे, जब मतलब ये बात मेरी तरफ से जो मामला है वो आपके पास पहुँच जाए, आपके मामला मेरे पास पहुँच जाए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर किसी रोज है ना इसी मतलब जो मौजूद जो हमारा जारी है इसी मौजूद पर फिर से गुफ्तगू करेंगे, आप इस पर इत्तेफाक करेंगे? हाँ इत्तेफाक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि देखिए क्योंकि मामला ये हो रहा है कि हो सकता है शायद मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, मैंने जो कहा समझ गए और आप वही मौके वाले निकले, आपने कोई भी चीज आप में हमारे ही मौके वाले निकले, कोई ये आप अपनी तरफ लेके जा रहे हैं खींच कर, मैं तो आप बोल दीजिए अभी कुरान में जेर और जबर नाजिल नहीं हुए थे, कुरान बिना जेर जबर के नाजिल हुआ है, नाउज़ु बिल्लाह, बोल के बताइए जुमला। मैंने ये कहा ही नहीं है, मैंने ये कहा आप हमारे मौके वाले हम भी वही बोल रहे हैं, आप जो मैंने कहा नहीं है उसका तकाजा मुझसे क्यों कर रहे हैं भाई? वही बात पे आप आ रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं है, मान लीजिए अमन अज़लम मानने की क्या बात है, जो चीज मैंने नहीं कही जबरदस्ती मान अमन अज़लम मन दुखी रबी आया तो रबी तुम्हारा मुजरिमीन मुंतकिमून,
मैं क्या है, राज मत कीजिए, ऐराज करना ये कुफर है, ऐराज करना तकब्बुर है। आप मान नहीं रहे, आप मान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। मैं फिर से नॉर्मल अंदाज में आ रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुदल गुफ्तगू करेंगे, मेरी जो मौके पर जो मेरे इस्तेमालात है ना, मैं आपको स्कैन कॉपी आपके व्हाट्सएप पर डालता हूँ। आप बहस कर रहे हैं ना, आप कुछ तकाजा करें और मुझसे मांगे, मैं आपसे तकाजा करूँ, आप मुझे शेयर करें। अशरफी साहब, उसके बाद जब भी बात हो जाएगी ना, तो नहीं कर रहे हैं आप, बहस कर रहे हैं आप। ये मतलब यानी कि दलील मांग रहा हूँ तो मैं बहस कर रहा हूँ। आप हमारे मौके वाले हैं, ये बात साबित हो रही है, फिर भी आप बहस कर रहे हैं। मैं बहस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं दलील देना चाहता हूँ, तो मैं बहस कर रहा हूँ भाई। कुरान जबर के साथ, अच्छा क्या दलील देंगे आप? सुनिए, कुरान जबर के साथ नाजिल हुआ, मैं मानता हूँ, आप मानते हैं? अल्लाह अकबर, बोलिए ना, हाँ या ना तो बोलिए। देखे बार बार आप मेरे मुंह में आप अपनी जबान डालने की कोशिश ना करें। वही बात आ रही है ना, मोहम्मद अब्दुल्लाह भी मंजूर के रवैया है तेरा, तुम्हारा रदा अनहु मिनल मुजरिमीन मुंतकिब। मैंने जाहिरी इराद की बात की, आप उस पर कायम रहे। मैंने वो उसके बातिन में जो है, जो उर्दू लैंग्वेज के हिसाब से आता है, बगैर इराद के लिखा हुआ, आम बंदा जो उर्दू पढ़ा लिखा है वो जान लेता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसीलिए कहा था कि जो जाहिरी इराद बिदत कैसे हो जाएंगे, कैसे इंसान को उनको पता है? मुझे बताइए, जाहिरी इराद बिदत होंगे, जहन्नम में ले जाएंगे? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो फिर हुई नहीं ना बिदत की तारीफ? तो बिदत की तारीफ के मुताबिक कुल बिदत की दलाला हुई नहीं ना वो, बिदत ना बोले आप। तो हमने किधर बोले भाई? हर नई चीज को बिदत ना बोले आप। अरे जो बिदत है उसी को बिदत बोलेंगे ना। हाँ तो जो बिदत है उसको तो हम भी बिदत कहते हैं ना, हमने कब कहा कि ये बिदत नहीं है? अरे फिर आप लोग भी माना से इस्तेलाफ और इस्तेलाफ से लोग भी माना पर जा रहे हैं। हर चीज को तुम जानना मिले जाने वाली गुमराही वाली बिदत नहीं कह सकते। आप हर बात को इस्तेलाफ और लोगत समझ का फर्क बताया था ना तारीफ में, कि भाई लोग भी मारे थे, इस्तेलाफ है इस्तेलाफ। आप बात नहीं करना चाहते, आप एक काम करें, या तो फोन रखें, मैं आपको एकदम वाजे कर रहा हूँ कि मैं जब दलाइल आपके पास, मेरे पास आपके दलाइल आ जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं खुद कॉल करके आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैं अभी फिलहाल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे, आप बहस कर रहे हैं। चलिए, आप बहस तो कर रहे हैं, गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं।